नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नीति आयोग भर्ती 2020 ने 39 SRO और अन्य पदों के लिए निकाली रिक्तियां। नीति आयोग ने सीनियर रिसर्च ऑफिसर, इकोनॉमिक ऑफिसर, डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट niti.gov.in पर साझा कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत से सूरी साम्राज्य की स्थापना की। कालिंजर के किले में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिजाइन किया था और 1540 और 1545 के बीच बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर का मकबरा, जो एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जो लगभग चौकोर है, भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में इसे जाना जाता है। पट खुलते ही माँ दुर्गा के दर्शन के लिए दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार में कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप दुर्गा पूजा का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं इस पूजा में सप्तमी से ही विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती देखी गई। शनिवार को महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा मंदिरों के पट खुलते ही माँ का खोइचा भरने विभिन्न दुर्गा मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। थोड़ी छूट के साथ ही छोटे रूप में ही दुर्गा पूजा मेला का रंग दिख रहा था। हालांकि सभी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देखे गए। वहीं खोइचा भरने के लिए भी लोगों की लंबी भीड़ देखने को मिली। तीन चरणों में नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वहीं अब चुनाव के समय में अब बस कुछ ही दिनों का समय बच गया है चुनाव को लेकर। वहीं तीसरे चरण में कुछ मिलाकर 1411 उम्मीदवारों में 1249 का नामांकन वैध पाया गया है। वहीं पहले चरण में 71 सीटों पर 166, दूसरे चरण की 94 सीटों पर कुल मिलाकर 1464 उम्मीदवार हैं। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक इसके उल्लंघन के कुल 306 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी संपत्ति में 10488 तथा निजी संपत्ति में 287 बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हवाई गश्त की शुरुआत भी कर दी है। विशेष हेलीकॉप्टर की मदद से पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा सघन एरिया डोमिनेशन एवं हवाई गश्ती भी करवाई जा रही है। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1000 से ज्यादा नए मामले। बिहार में कोरोना का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है, मगर प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1054 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 211443 पर पहुंच गई है। वहीं बाद प्रभावित जिलों की संख्या की करें तो अररिया में 31, अरवल में 7, औरंगाबाद में 21, बांका में 7, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 42, भोजपुर में 20, बक्सर में 4, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 42, गोपालगंज में 149, जमुई में 9, जहानाबाद में 19, कैमूर में 8, कटिहार में 16, खगड़िया में 1, किशनगंज में 22, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 20, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 34, नवादा में 17, पटना में 239, पूर्णिया में 26, रोहतास में 8, सहरसा में 54, समस्तीपुर में 12, सारण में 26, शेखपुरा में 6, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 8, सुपौल में 18, वैशाली में 3, पश्चिम चंपारण में 11 मामले सामने आए हैं। बारिश के बाद साफ हुआ राजधानी का मौसम। में बारिश के बाद राजधानी पटना का मौसम साफ नजर आ रहा है। हालांकि अब बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं हल्की बारिश के कारण मौसम में नमी बढ़ गई है, जिससे लोगों को सुहाना मौसम का एहसास हो रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अब राजधानी का मौसम साफ रहने वाला है। इसके साथ ही रबी की बुआई भी देरी से हो सकती है। हालांकि आसमान साफ होने से धान की फसल अच्छे तरीके से पक जाएंगी और समय से ही रबी की बुआई होगी। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आए कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस अब कोविड-19 की चपेट में आ गए। यह जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मैं लॉकडाउन के बाद से ही हर दिन काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और छुट्टी ले लूं। कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं और फिलहाल आइसोलेशन में हूं। डॉक्टर की सलाह पर दवा और उपचार ले रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा है कि जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो टेस्ट जरूर करवाएं, सभी लोग ध्यान रखें। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस से पहले पटना के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, दो बड़े नेता शाहनवाज और राजीव प्रताप रूडी भी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारकों का कोविड-19 की चपेट में आना बड़ा झटका माना जा सकता है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम GCSK FRCP का जन्म 14 जुलाई 1947 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। मॉरिशस के वो एक राजनेता हैं जिन्होंने 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के रूप में काम किया था। वो 1991 से 1995 तक विपक्ष के नेता थे। उन्होंने दिसंबर 1995 से सितंबर 2000 तक पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में काम भी किया और अक्टूबर 2000 से 4 जुलाई 2005 तक फिर से विपक्ष के नेता बने। 5 जुलाई 2005 को वो प्रधानमंत्री बने। महागठबंधन ने अपने आम चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार वो मंत्री बने थे। बीते दिन से पूरी तरह खुल गए पटना के सभी पार्क। कोविड-19 के कारण सभी पार्क 23 मार्च से बंद पड़े थे। पटना में बीते दिन से सभी पार्क को खोल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 महीने से अधिक बंद रहने के बाद फिर से राजधानी पटना में सभी पार्क पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। पटना के इको पार्क समेत सभी वाटर पार्क में एंट्री पर पूरी तरह से बैन हटा लिया गया है। आपको बता दें कि पार्क अब तक 2 शिफ्ट में आंशिक रूप से खोले जा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से 5:30 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि पार्क आने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी एंट्री मिलेगी। गेट पर थर्मल स्कैनिंग करानी होगी, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सर्दी खांसी और जुकाम वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी और लोग अपना पानी बॉटल और सैनिटाइजर साथ रखेंगे। इसके साथ ही पार्क में घूमते समय पेयजल या वॉशरूम से दूरी बनाए रखेंगे। पार्क में भीड़भाड़ नहीं लगाने की अनुमति दी गई है। भारत नेपाल सीमा बंद होने के कारण नेपाल में ही फंसे हैं वोटर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, वहीं लोगों को मतदान के लिए भी लगातार प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी मतदान का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये वो लोग हैं जो भारत नेपाल सीमा के बंद होने के कारण नेपाल में फंसे हैं मगर भारत की नागरिकता भी रखते हैं। जानकारों की माने तो यदि चुनाव तक नेपाल सीमा सील रही तो सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी गणित इस साल कुछ अलग होगा। सीमा के सटे प्रत्येक क्षेत्र के 3-5% वोटर चुनाव से वंचित हो सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में औसतन 2.5-3,000 वोटर हैं। सीमा सील होने के कारण वोटर नेपाल में फंसे हुए हैं। इस तरह वोटर चुनाव से वंचित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जारी किया राजद का घोषणा पत्र। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। इसी क्रम में राजद ने भी बीते दिन अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने हमारा प्रण संकल्प बदलाव का नाम दिया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगारों पर खास ध्यान दिया है, साथ ही महागठबंधन की तरफ से किए गए 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने के वादे को दोहराया है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी दोहराया है। साथ ही अगर राजद की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। राजद ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, गांव को स्मार्ट बनाने, CCTV कैमरा लगाने, प्रदेश में नए उद्योग नीति आने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स माफी का वादा भी किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जारी किया रालोसपा का वचन पत्र। बीते दिन रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में रालोसपा ने गरीब घर से आने वाले छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार में 5 नए विद्यालय खोलने समेत कई अहम वादे किए हैं। इस मौके पर रालोसपा चीफ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिक्षा के बिना किसी का विकास संभव नहीं है। संपन्न परिवार से आने वाले छात्रों के लिए बड़े बड़े विद्यालय खुले पड़े हैं मगर परेशानी गरीबों को है। गरीबों की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र सहारा है, जिनकी हालत बेहद ही खराब है। जीतन राम मांझी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र। राजद और रालोसपा के बाद अब हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपना घोषणा पत्र बीते दिन जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मिड डे मील में घी देने और मिल्क पाउडर मुहैया करवाने की बात कही है। हमने अपने घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं में मुफ्त वाईफाई, मध्याह्न भोजन के तहत घी मिल्क पाउडर, साथ ही गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का वादा किया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेज में मुफ्त वाईफाई मुहैया करवाया जाएगा, साथ ही विशेष बस की सुविधा भी दी जाएगी। बेगूसराय और खगड़िया की जनता से वोट मिलने का मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने बीते दिन 4 जनसभाएं की थी। जदयू के चुनावी मुहिम के 11वें दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 4 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया। पहला सभा बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया प्रखंड स्थित चमरिया मैदान में आयोजित करवाई गई थी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि हमने सबके लिए काम किया है, उम्मीद है कि हमें ऐसे ही वोट भी मिलेंगे। वहीं खगड़िया में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने खूब सारे विकास का काम किया है, हालांकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ माल कमाने से मतलब रखते हैं। तेजस्वी यादव ने अब भाजपा के 19 लाख
रोजगार पर उठाया सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुफ्त वैक्सीन के चुनावी दाव के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए सरकार को निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं केवल कहने के लिए 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी कर सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक वास्तविकता बन जाएगा। उन्होंने आगे भाजपा के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले बताए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों से हाथ उठा दिए हैं कि वो कहां से देंगे, तो भाजपा कहां से दे देगी। सवाल ये उठता है कि ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। चिराग पासवान ने जदयू से अधिक सीट जीतने का किया दावा। आगामी विधानसभा चुनाव के शुरुआत होने के कुछ दिनों का समय बच गया है, वहीं बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जीत के मंत्र को फिर से दोहराया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन औरंगाबाद जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में इस बार लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी, हम महागठबंधन के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। साथ ही चिराग ने यह भी साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सीधे कभी चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश नहीं की, खुद के चुनाव का पता नहीं और चले हैं कप्तान बनने। राजद के घोषणा पत्र पर जदयू भाजपा ने कसा तंज। राजद ने बीते दिन अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। राजद के घोषणा पत्र पर जदयू भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने राजद पर निशाना साधा है और कहा है कि राजद का सबसे पहले स्वयं में बदलाव करने की जरूरत है। वहीं जातियों का कहना है कि राजद के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि राजद को सबसे पहले प्रदेश की जनता से यह दावा करना चाहिए कि उनके शासनकाल में कोई अप्रिय वाक्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, जबरदस्ती लोगों से पैसे वसूले नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास से फोन करके किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लिए जाएंगे, ना ही किसी को बचाने की कोशिश की जाएगी और उद्योग धंधा लगाने के पहले वसूली नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, राजद यह भी वादा करे कि चरवाहा विद्यालय खोलकर भैंस पर छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी स्टार प्रचारक बिहार पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बिहार पहुंचकर अपने प्रचार की शुरुआत कर दी। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। इसी दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार ने बिहार को बेहाल कर दिया है। इस दौरान भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, शक्ति सिंह, आनंद माधव समेत कई नेता भी दिखाई दिए। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने जो 3 कानून संसद में पेश किए हैं, वो दलालों के हित में हैं। जो पहले वो पूंजीपतियों के लिए बिल है, किसान विरोधी और आम इंसान विरोधी है। मुंगेर में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना। मुंगेर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एनडीए प्रत्याशी प्रणव यादव के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में यदि 1 रूपया केंद्र सरकार की तिजोरी से निकलता था तो महज 10 पैसा ही तक पहुंचाया जाता था। 90 पैसा बिचौलिए खा जाते थे। हर तरफ भ्रष्टाचार का ही माहौल था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर रोक लगाने का काम सबसे पहले किया है। जेपी नड्डा ने राजद पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नालंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को निशाने पर उन्होंने बीते दिन लिया है, जिसमें उन्होंने बीते दिन कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बिहार को 11 मेडिकल कॉलेज दिए गए, कई नेशनल हाईवे बनाए गए, रेलवे लाइनों के विस्तार का काम किया गया। हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो लोगों की सेवा करती है, गरीबों के घर में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही मौके पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विपक्ष के स्वभाव में केवल अराजकता ही है। जदयू ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन के बाद जश्न मनाने की कही बात। 9 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, वहीं उनके जन्मदिन को लेकर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने अपना बयान साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ 9 नवंबर को तेजस्वी यादव अपने जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे, वहीं हम 10 को जीत का जश्न मनाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की रिहाई कोर्ट का मामला है, इसमें हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे, लेकिन लालू प्रसाद रिहा भी हो जाएंगे तो क्या उनका और उनके परिवार का गलत काम करने की परंपरा खत्म हो जाएगी। जदयू नेता दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है, इसके बाद पूरे परिवार का करियर सबको पता चल जाएगा।
हार के बाद निराश महेंद्र सिंह धोनी ने कही अहम बात। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में धोनी की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा निराश नजर आए, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यह वाकई बहुत चोट पहुंचाएगी। अब यह देखने की जरूरत है कि गलत क्या हुआ था। यह साल हमारा बिल्कुल भी नहीं रहा। सिर्फ एक या दो मैच में ही हम अच्छे से बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर पाए। आप 10 विकेट से हारे या 8 विकेट से, यह शायद ही मायने रखता है। सभी खिलाड़ी दुखी हैं, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमेशा आपके हाथ में नहीं जाता है। अगले साल से हर चीज को साफ करके उतरना होगा। नीलामी कैसे हो, आयोजन स्थल का क्या हो, और आपको लड़कों के प्रदर्शन करने का पूरा मौका देना होगा। गूगल प्ले म्यूजिक ऐप हुआ बंद। गूगल ने अपने लोकप्रिय प्ले म्यूजिक ऐप को बंद कर दिया है, जिसके बाद अब यूजर इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खास बात यह है कि गूगल प्ले म्यूजिक प्ले के बजाय अब कंपनी यूजर को यूट्यूब म्यूजिक ऐप उपयोग करने की सलाह दे रही है। कंपनी का कहना है कि गूगल प्ले म्यूजिक यूजर को यूट्यूब म्यूजिक पर शिफ्ट कर दिया गया है। यूट्यूब म्यूजिक पर होने के बाद यूजर को इस ऐप में गूगल प्ले म्यूजिक पर बनाई गई लाइब्रेरी और प्ले लिस्ट आराम से मिल जाएगी। अगर आप भी गूगल प्ले म्यूजिक का उपयोग करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें मौजूदा कंटेंट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपके कंटेंट को YouTube म्यूजिक पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,200 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.1 रुपए प्रति लीटर था। चुनावी शोरगुल के बीच लालू को किसी ने नहीं किया याद। चुनावी शोरगुल के बीच लालू प्रसाद यादव अकेले नजर आए। शनिवार को अक्सर लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि चुनावी तैयारियों में व्यस्त राजनेता में से एक भी इस बार उनसे मिलने नहीं पहुंचा। रिहाई तो दूर की बात है, फिलहाल लालू यादव के दरबार में मुलाकात करने वाले लोग भी नहीं पहुंच रहे। हालांकि पिछले दिनों लालू के एक प्रशंसक की तरफ से गलत तरीके से मुलाकात करने को लेकर मामले ने तुल पकड़ लिया था। पूरे मामले पर आईजी पर सवाल उठाया गया था। फिर आईजी ने जवाब देते हुए कहा था कि किसी से मुलाकात करने की अनुमति नहीं थी। अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति लालू जी से मुलाकात करता है तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पिकेंद्र कुमार गुप्ता, गुरुशरण कुमार, युवराज अजय कुमार, जितेंद्र यादव, सोनू कुमार, बबलू यादव, शुभम ठाकुर, उपेंद्र कुमार, मोहम्मद आसिम, अनुराग सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। चुनावी माहौल में सभी दलों की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र में आपको कौन से दल का घोषणा पत्र सबसे अच्छा लगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।